and legislator and parliamentarian, Honorable K.G. Balakrishnan ji, Professor Arvind Alok ji, Professor Sushma Yadav ji, other dignitaries on the dais and off the dais, dear delegates and students and other fellow audience. आज हमारे सामने, हमारे देश के सामने, देश को आजाद हुए 1947 के बाद हम देखते हैं 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज इस प्रीमियर हॉल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके जाने के बाद भारत में पोस्ट अंबेडकर सिनेरियो में हम वो एनालाइज करने के लिए बैठे हैं कि देश कहाँ है, हम कहाँ हैं, और जिनके लिए, जिनके इमेंसिपेशन के लिए, जिनके लिबरेशन के लिए, जिनके मनोमिशन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त एक मूवमेंट लॉन्च किया था, एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में भारत, हम सब लोग कहाँ खड़े हैं? मैं आज आपके सामने एंड आई हैव टू आस्क टू कर्टेल माय स्पीच जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू बी टू स्पीक विद इन 10 मिनट्स ऑन द टॉपिक। माननीय मंत्री जी, अदर फेलो डेलीगेट्स, इमेंसिपेशन, मुक्ति, लिबरेशन, मनोमिशन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे दुनिया के अंदर जहां जहां सोसाइटी के अंदर सब्जुगेशन हुआ है, एट्रोसिटीज हुई है, समाज को, बहुत बड़े तबके को हजारों हजारों सालों से अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें डिग्रेड किया गया, उन्हें डिप्राइव किया गया, उन्हें डिनाई किया गया, इसको लेकर के चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे भारत हो, जहां रेशियल अनटचेबिलिटी नहीं हो या कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी नहीं हो, हजारों सालों तक एक बहुत बड़ी मानवता को, मानवीय हिस्सों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन आदर्शों को लेकर के संघर्ष करते रहे, वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं, उनसे पहले चलाए गए भारत के अंदर अनेक आंदोलनों का एक स्वरूप थी, एक आंदोलनों का एमलगमेशन है, एक आंदोलनों का कोहेसिवनेस है। देश की आजादी करवाना, देश की आजादी एक ऐसा विषय है जिस पर हम सब लोग, बहुत सारे हमारे अंतरात्मा, हम सब लोग कहीं ना कहीं थ्रिल होते हैं, थ्रिलिंग होती है हमारे अंदर। लेकिन देश के अंदर ही करोड़ों करोड़ों लोग जो डबल गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम थे, उनकी आजादी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से देखते हैं, वह भी हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस मूवमेंट को, इस इमेंसिपेशन को हम लोग क्रिटिकली जब एनालिसिस करते हैं, उसके एनालाइज करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे अपने अंदर, हमारे देश के अंदर वैदिक पीरियड से लेकर के हमारे अपने अंदर कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश की गई, कुछ ऐसी थ्योरीज एस्टेब्लिश की गई जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया। वो थ्योरीज हम सभी जानते हैं, चाहे वो पाप और पुण्य के नाम पर हो, चाहे वो स्वर्ग और नरक के नाम पर हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ रीबर्थ के नाम पर हो, पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर के हो, हमारे पूर्वजों को, हमारे फोर फादर्स को, इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, वंचितों को, इस बात के लिए उनका माइंड मेकअप किया गया कि आप चांडाल हैं, आप पॉलकस हैं, आप निम्न जाति के अंदर आते हैं, आप अंत्यज हैं, आप अंधविश्वासी हैं, आप इसलिए हैं क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए हैं, और उन्हीं का परिणाम है कि आज आप निम्न वर्ण के अंदर हैं, निम्न
because Baba Sahib doctor made first idea. It was his analysis. जिन्होंने इस theory को, इस षड्यंत्र को समझा, analyze किया और उन्होंने कहा कि जब तक दलित समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग इस conspiracy को जब तक नहीं समझ पाएंगे, वो ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मणवाद के नाम पर या सुपीरियरिटी के नाम पर, सुप्रीमेसी के नाम पर वो आजाद नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर आजादी के संदर्भ में वो कहते हैं, ये ठीक है आजादी जरूरी है, लेकिन आजादी से पहले सोशल लिबरेशन की जरूरत है, सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत है। और मुझे याद है कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने के पश्चात संविधान अंगीकार होना था, तो 25 नवंबर को उनका वो ऐतिहासिक भाषण इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। 25 नवंबर को उन्होंने कहा, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ प्रोमिनेंट बातें, मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा। 25 नवंबर को उन्होंने कहा, और ये बहुत ही मैग्निफिशेंट लेक्चर है उनका, दुनिया में इससे बढ़िया भाषण नहीं हो सकता। वो वार्निंग भी दे रहे हैं इस भाषण में हुक्मरानों को, वो देश के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो बोल रहे हैं। कल 26 जनवरी को हम एक ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन के एज में प्रवेश करने जा रहे हैं, going to enter into an age of contradictions where in politics there will be the principle of, and it will be applied in principle, one man, one vote, one value. Ek mat, ek kimat sabhi ki hogi politics mein, lekin samaj ke andar, aarthik jeevan ke andar ye principle hum apne hi bahane banakar इस देश के अंदर अपने ही रास्ते निकालकर, अपने ही जस्टिफिकेशन देकर के हम इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के अंदर, समाज के अंदर हम वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत नहीं अपनाएंगे। और मैं इस देश के आने वाले हुक्मरानों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके वो इस पार्लियामेंट्री इन डेमोक्रेसी को, इस संसदीय लोकतंत्र को जितना जल्दी हो सके वो सामाजिक लोकतंत्र में कन्वर्ट करें, वो आर्थिक लोकतंत्र में कन्वर्ट करें। और यदि ये कन्वर्ट नहीं हो पाया तो हजारों हजारों सालों से ये दलित वंचित अनटचेबल्स, हरिजन, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आने वाले टाइम में इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को, इसके प्रति चुनौती ना बनकर खड़े हो जाएं, वो इसके खिलाफ आंदोलन ना खड़ा कर दें और ये हमारी आजादी खतरे में ना पड़ जाए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर को आगाह करते हुए हमें कहते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, उसकी आइडियोलॉजी को हम लोग कैसे संक्षेप में एनालाइज कर सकते हैं। उन पिन पॉइंट्स करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन सब विचारों के खिलाफ एक आंदोलन थे जो हमें मानसिक गुलाम बनाता है, जो हमें मेंटल स्लेव बनाता है। उन्होंने एक बार एक डेलीगेट्स के सामने अपनी आइडियाज को प्रोकटाइज करते हुए कहा, उन्होंने कहा, कैसे आजादी दिलवाएंगे आप अपने समाज को, आप अपने समाज की आजादी की बात करते हैं। उन्होंने कहा, यह दुख की बात है, ये अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि मेरा समाज आज भी गर्त में है, मेरा समाज समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा, काश मेरा समाज राजनीतिक रूप से गुलाम होता तो भी मैं इसे आजादी दिलवा सकता था, काश मेरा समाज सामाजिक रूप से गुलाम होता तो भी मैं इसे आजादी दिलवा सकता था, काश मेरा समाज आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से गुलाम होता, काश मेरा समाज धार्मिक रूप से गुलाम होता तो भी मैं आजादी दिलवा सकता था, पर अफसोस, अफसोस है कि मेरा समाज मानसिक गुलाम है, दिमागी गुलाम है, और ये मेंटल स्लेवरी जो है, जब तक ये इसको मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगा या हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक इस समाज को हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे। मैं इस समाज को, इस भूखे बहरे समाज को लड़ने के लिए तैयार करना चाहता हूँ, अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ। इसलिए जब वो पत्र लिखते हैं, समाचार पत्र का नाम भी लिखते हैं, तो वह है मूक नायक, उसको नाम देते हैं, है नायको, है लोगो,
है, कभी वंचित समाज के लोगों उठो, अपनी आवाज उठाने वाले बनो, अपनी आवाज को बुलंद करो। जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो बहिष्कृत भारत में लोग संगठन बनाते हैं। तो ये उनके कुछ आइडियाज हैं, कुछ इंडिकेशन हैं जो हम लोग समझ सकते हैं और हमें समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले हम लोग देखते हैं अनेक आंदोलन भारत के अंदर चल रहे हैं। ये वो आंदोलन है जो उस तमाम उस फिलॉसफी के खिलाफ है जो एक तरफ दलितों को वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर, अनटचेबिलिटी के नाम पर दबाए रखना चाहती है, उन्हें लिबरेट नहीं होना देना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के अंदर इसका समाधान देते हैं। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट की पुस्तक है, वो मोनोक्रॉप है, वो हिस्टोरिकल बुक है जो उन्होंने लाहौर के अंदर जात पात तोड़क मंडल के अंदर प्रस्तुत किया था, वो उनका लेक्चर है जिसमें उन्होंने कहा कि कास्ट कैसे एबॉलिश होगी। उन्होंने कहा कास्ट एबॉलिश करना और वो पूरे मूवमेंट जितने भी हैं वो एंटी कास्ट मूवमेंट्स हैं। एंटी कास्ट मूवमेंट्स में हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर चाहे आद धर्म मूवमेंट हो पंजाब के अंदर, नारायण स्वामी गुरु मूवमेंट केरला में हो, आदि द्राविड मूवमेंट तमिलनाडु में, नवम शूद्र मूवमेंट बंगाल में, आदि आंध्र मूवमेंट कोस्टल आंध्र में, आदि हिंदू मूवमेंट हैदराबाद के अंदर, आदि हिंदू मूवमेंट वेस्टर्न यूपी के अंदर, अनऑर्गेनाइज्ड दलित एसोसिएशन मैसूर और बिहार के अंदर, ये सब आंदोलन है जो एंटी कास्ट के हमारी गुलामी की कारण, हमारी गुलामी की जड़ें इस कास्ट सिस्टम में है। और जब तक इस कास्ट को हम फ्लो नहीं कर देंगे, इसको हम स्पोर्ट करवा नहीं देंगे, तब तक हमारी मुक्ति का मार्ग साबित नहीं हो सकता है, हम उसे इंश्योर नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि जाति कैसे समाप्त होगी। उन्होंने कहा मैंने अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का बीड़ा नहीं उठाया, अनटचेबिलिटी को अगर मैं समाप्त करता तो छोटा कॉज होता। अनटचेबिलिटी का मूल कारण है कास्ट, और कास्ट का मूल कारण है वर्ण व्यवस्था। एक बार गांधी जी से एक डिबेट में एक संवाद में उन्होंने कहा, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, कि गांधी जी ने कहा जब वो दलितों के लिए हरिजनों का मूवमेंट चला रहे थे, तो उन्होंने कहा गांधी जी क्या आप, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अनटचेबल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना गया था। And Congress and Gandhi was opposing. Gandhi was putting himself before the parliament, British parliamentarian, British parliament, that I am the leader of untouchables. I have to be recognized, acknowledged as the leader of untouchables. और उन्होंने कहा गांधी जी आप untouchability को नहीं मानते, उन्होंने कहा कि आप मानते हैं। उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, आप गीता को मानते हैं। उन्होंने कहा गीता मेरा आराध्य ग्रंथ है, गीता चातुर्वर्ण्यम को मानती है, चातुर्वर्ण्यम जाति व्यवस्था को जन्म देती है, और जाति व्यवस्था अनटचेबिलिटी की जेनेसिस है, उसकी उत्पत्ति जाति व्यवस्था की से होती है, अनटचेबिलिटी में होती है। इसलिए उन्होंने कहा मैं कास्ट को एबॉलिश करने का मूवमेंट चलाने वाला हूं। इसलिए और वो खत्म कैसे होगी, जिन धार्मिक मूल्यों के कारण, जिन धार्मिक मूल्यों के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, उन धार्मिक मूल्यों को समाप्त किए बगैर वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है। और उन धार्मिक मूल्यों के बगैर जब वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है, तो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है, और जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी इस अनटचेबिलिटी का दंश, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। कहीं गोहाना प्रांत होता है, कहीं मीनाक्षीपुरम कांड होता रहा था, कहीं हरियाणा के अंदर मिर्चपुर कांड होता है, हरसोला कांड होते हैं, खैर लांजी होता है, क्या ये अभी भी हमारे सामने जीवंत उदाहरण नहीं है? इस देश के अंदर आज भी अनटचेबिलिटी है, और हमारे लोगों पर एट्रोसिटीज होती है, इस देश के हमारे बुजुर्गों पर एट्रोसिटीज होती थी, इस व्यवस्था के कारण आज भी एट्रोसिटीज होती है। हम इन सब एस्पेक्ट्स को हम लोग ध्यान में रखें, और इसको वे आउट क्या हो, इसका समाधान क्या हो, इस पर हमें सबको सोचने की जरूरत है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। इसका समाधान मेरे नजरों में, मैं समझता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए आंकड़ों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी हर 15 मिनट के अंदर 4 दलितों पर एट्रोसिटीज होती है, दलित और आदिवासियों के ऊपर। हर तीसरे दिन, हर 3 दिन में, एवरी डे 3 दलित वुमेन आर रेप्ड,
are beaten up, and every week 13 Dalits are murdered, 5 Dalit houses are set on fire. मैं 10 साल के आपको हम आंकड़े को 15 साल के मैं आंकड़े दे सकता हूँ, जिसमें 558,103 केस दलितों को एट्रोसिटीज के रजिस्टर किए गए इस देश के अंदर, और ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और इस देश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा दलित और आदिवासियों पर एट्रोसिटीज के केस उन 15 वर्षों में रजिस्टर किए गए। हमें चाहिए क्या, हम लोग क्या चाहते हैं, बाबा साहब के इस मिशन को हम लोग कैसे पूरा करना चाहते हैं? हम चाहते हैं एक सोशल मूवमेंट लॉन्च किया जाए, एक इमेंसिपेशन का मूवमेंट लॉन्च किया जाए, एक रेनेसां की जरूरत है इस देश में, एक पुनर्जागरण की जरूरत है इस देश में। जिस तरह से यूरोप के अंदर पुनर्जागरण आया, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आया, ऐसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत है इस देश में। जब तक इस देश में पुनर्जागरण नहीं होगा, तब तक हम हमारे दलित समाज के लोगों को, बॉर्डरिंग पॉपुलेशन को इमेंसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जब वो मूवमेंट लॉन्च होगा तभी हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर पाएंगे, उनके मिशन को पूरा कर पाएंगे, उनके विजन को पूरा कर पाएंगे। एजुकेशन जरूरी है, ये ठीक है, और मैं मेघालय के उस षड्यंत्र को बताना चाहता हूँ जिन्होंने 1948 में उन्होंने कहा कि इस एजुकेशन पार्लियामेंट्री इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से मैं देश में एक ऐसी माइन्यूट एजुकेटेड क्लास को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो दिमाग से, सॉरी, जो ब्लड से और कलर से तो भारतीय होगा, काला होगा, लेकिन जो विचारों से, दिमाग से ब्रिटिशर्स होगा। आज हम उन्हीं की नकल करते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हैं, उन्हीं के सिस्टम्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जुडिशरी को, हम उनको इमिटेट करते हैं, वो एक समाधान नहीं है। आज हमारी सरकार, भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से भारत को एक बार फिर से बढ़ा रहे हैं, भारत के इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें उसी तरह से भारत के उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को फिर से एस्टैब्लिश करना होगा, और उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम उसको न्याय को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को इंकल्केट करना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। आइए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस विजन को, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने में अपना योगदान करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबका जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत का बोल करके धन्यवाद करता हूँ।